7100 ऊपर में बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और नीचे में जो सपोर्ट निकल कर आता है वो करीबन 7900 के आसपास है जो निचला स्तर बनाया था। तो आज 7980 के आसपास एक्सपायरी होने की गुंजाइश है। 8000 के ऊपर इंडेक्स जा नहीं पा रहा है और गैप डाउन ओपनिंग हुई है तो ये मुश्किल लग रहा है कि 8000 के ऊपर शायद एक्सपायरी हो पाएगी। चलिए ठीक है, जो हम बात कर रहे हैं अभी रुपी इंपैक्ट की, सर इसमें ये जो दो शेयर्स स्टॉक्स जैसे राइस स्टॉक्स टी स्टॉक्स यहां पर आज कुछ मोमेंटम बन रहा है, स्टॉक्स जैसे कि कोहिनूर, लक्ष्मी ओवरसीज, एलटी फूड्स जैसे स्टॉक्स, हैरिसन मलयालम, जयश्री टी, कोई स्टॉक आपको पसंद है? देखिए इसमें से एलटी फूड जो है वो अच्छा लग रहा है स्टॉक, क्योंकि ओवरऑल अगर रजत मीडियम टर्म ट्रेंड देखा जाए ना तो इसका पॉजिटिव है। ये चार्ट में लेफ्ट से टॉप राइट कॉर्नर में जा रहा है, इसका यही दर्शाता है कि ओवरऑल मीडियम टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है। और आज ये निचले स्तर से बाउंस बैक हुआ है जो करीबन 220 का बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल भी था, तो 220 से जो बाउंस बैक हुआ है वो शार्प और फास्ट है, तो ये देखते हुए ये पॉजिटिव लग रहा है। और यहाँ पर ऊपर 300 के आसपास जाने की गुंजाइश है जो कि पिछला काम करना होगा। स्टॉप टू 240 का भी लगा सकते हैं, यहाँ से पोजिशन ट्रेड लिया जा सकता है। जयश्री टी भी एक अच्छा स्टॉक है, इसमें गिरावट काफी आई थी पिछले कुछ दिनों में, लेकिन जो 17 से बाउंस बैक हुआ है वो 85 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये 85 का लेवल इंटैक्ट रहता है यहाँ से वापस 105 का रिटेस्ट किया जा सकता है, तो शॉर्ट टर्म होराइजन से इसमें खरीदी की जा सकती है। नीचे में 85 का स्टॉक के साथ ऊपर में 105 का लेवल देखा जा सकता है। चलिए आशीष जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पे अप्रोच बताने के लिए।